महाजर कौमी मूवमेंट वाहिद जमात जो महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद बनी और आज तक कायम है, ना इसके अंदर कोई ग्रुप है और ना इसके अंदर कोई इधाम है। लोगों ने, मैंने मुझे बता दो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, ये शेर बस अब सुनो। इस शेर का मतलब क्या है कि अगर कौवा हंस बनने की कोशिश करे तो क्या हंस बन जाएगा? कहते ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मैं कौवा किसी को कह नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, मैं कौवा सही। मैंने कभी हंस बनने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि मैं महाजिर था, महाजिर हूं, महाजिर रहूंगा, और मैं इस परचम से, इस नजरिए से, इस परचम से, इस नजरिए से इनहराफ नहीं कर सकता जिस नजरिए के लिए मेरी कौम की माओ ने अपने लगते जिगर कुर्बान किए थे। मैं उस वक्त को नहीं भूल सकता जब ग्रीन टाउन की गलियों में पीपीआई के लोगों ने गोलियों की बौछार की थी कि ये महाजिर परचम हम हटाकर दम लेंगे, और उस महाजिर परचम की हुरमत की खातिर लोग रातों को ड्यूटियां किया करते थे और अपने सीनों पर गोलियां खाई उन्होंने उस परचम को सर को नहीं होने दिया। मैं उस परचम से, उस महाजिर लफ्ज से, उस महाजिर नजरिए से, जिस महाजिर नजरिए के माओ ने उस नजरिए के लिए अपने लखते जिगर कुर्बान किए और रजाकाराना तौर पर किए, कि लोगों ने मांगा कि महाजिर माओ से एक एक बेटा चाहिए और लोगों ने अपने बेटे कुर्बान किए। खुदा की कसम, हमने जनाजे उठाए और जनाजे उठाते वक्त हमने माओ के वो जज्बात देखे कि माओ ने कहा कि हमने कहा था कि हम अपने बेटे इस तहरीक के लिए कुर्बान करेंगे। आज एक बेटा गया है, अगर दूसरा बेटा भी चाहिए तो वो भी ले जाओ, लेकिन इस कौम का मुस्तकबिल बेहतर कर दो। हम उस कुर्बानी को, हम माओ के उस जज्बे को, बुजुर्गों के उस जज्बे को नजरअंदाज करके इस लफ्ज से इनहराफ कैसे करते, इस नजरिए से इनहराफ कैसे करते? तो अगर महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद बनने वाली महाजिर कौमी मूवमेंट अपने उसी नजरिए के साथ अगर कायम है तो वो ये महाजिर कौमी मूवमेंट है। उसमें अगर किसी ने मुतहदा बनाई, किसी ने PSP बनाई, किसी ने लंदन बनाई, किसी ने PIE और किसी ने बहादराबाद, तो सब के बारे में सब जानते हैं कि आज अगर कोई कहे कि फलां कूलर में रख के पीता है, फलां ने ये किया था, फलां ने ये किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने कहा, मैं जो बात कह रहा हूं मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, मैं किसी शख्स को शेर नहीं कह रहा, वो तो थाई गीदड़, लेकिन अगर शेर भी अगर नजा के आलम में हो, शेर भी अगर मरने के करीब हो, तो उस शेर को भी गीदड़ भगे और कुत्ते नोच नोच के खा रहे होते हैं। आफाक ने मरते हुए किसी शख्स को शराबी और जानी नहीं कहा था। आफाक ने उस वक्त उससे अलम बगावत की थी जब उसका जोबन था। आफाक ने उस वक्त महाजन लफ से निराप के बाद उससे बगावत की थी जब उसका उरूज था, जब वो दिन को दिन रात कहे तो लोग रात कहते थे, और अगर वो रात को दिन कहे तो लोग दिन कहते थे, अगर वो किसी का मौत का परवाना निकाल दे तो लोग वाकई मार दिए जाते थे। उस वक्त जब उसका तोती बोलता था, आफाक ने उस वक्त बगावत का आलम बुलंद किया था, और आफाक ने उस वक्त कहा था कि हम महाजिर नजरिए से निराफ करने वाले शख्स के साथ खड़े नहीं हो सकते, और उसके बाद हमने अपनी राह जुदा कर ली थी। आफाक ने आज अल्ताफ से लहजी इख्तियार नहीं की। आफाक उस वक्त भी कहता था, आज 23 मार्च के इस मौके पर
ये जो पाकिस्तान का झंडा और मीनारे पाकिस्तान लगाकर इन्होंने स्क्रीन लगाई है, मैं इस परचम के नीचे कहता हूँ कि उस वक्त भी इख्तिलाफ किया था तो ये कहकर किया था कि इस पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमियतें मेरे भाई हैं। पंजाबी मेरा भाई है, पठान मेरा भाई है, सिंधी मेरा भाई है, बलोच मेरा भाई है, ये इदारे मेरे इदारे हैं, ये फौज मेरी फौज है, मेरे साथ होने वाली ज्यादतियों का मुकाबला इस मुल्क में रहकर करूंगा, मैं पंजाबी से लड़ूंगा, पठान से लड़ूंगा, सिंधी से लड़ूंगा, बलोच से लड़ूंगा, इसलिए कि ये मेरे भाई हैं, अगर मेरे साथ जुल्म करेंगे मैं इनसे लड़ूंगा अपना हक हासिल करने के लिए, उन्हें इंसाफ के तकाजे याद दिलाने के लिए, लेकिन मैं इस पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहता, मैं इस पाकिस्तान के खिलाफ जाने के हक में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के जुग्राफी में रहकर महाजर अवाम के जायज हकूक हासिल करना चाहता हूँ। उस वक्त भी मैंने इख्तिलाफ उसी बात पर किया था, उस वक्त तमाम लोग जो आज मुख्तलिफ जमातें बनाकर लकीरें खींच कर आज उसको बुरा कह रहे हैं ना कि कूलर में रख के पीता है, खराब है, वो यूं है, वो फला है, कल तक ये सब उसको अपना रूहानी बाप कहते थे, क्या ऐसा नहीं था?